पश्चिम बंगाल में बड़ा सियासी संग्राम, ड्रग्स मामले में बीजेपी नेता राकेश सिंह गिरफ्तार। बर्दवान से देर शाम राकेश सिंह की हुई गिरफ्तारी, पामेला गोस्वामी ने राकेश पर लगाए हैं गंभीर आरोप। राकेश सिंह का बयान दर्ज कराना चाहती थी पुलिस, तय वक्त पर पेश होने के बजाय दिल्ली आ रहे थे राकेश, बीच में हुई गिरफ्तारी। राकेश सिंह ने कोलकाता पुलिस को ईमेल के जरिए दी थी दिल्ली जाने की जानकारी, 26 फरवरी के बाद पेश होने की कही थी बात। पुलिस ने राकेश के परिवार पर कसा शिकंजा, दोनों बेटों को काम में रुकावट डालने के आरोप में किया गिरफ्तार। भाइयों को हिरासत में लेने पर फूटा बहन का गुस्सा, कहा पुलिस ने षड्यंत्र करके मेरे भाइयों को किया किडनैप। कोयला तस्करी मामले में ममता की बहू रुजरा से सीबीआई की पूछताछ, टीएमसी ने बताया सियासी साजिश। हुगली में आज ममता बनर्जी की रैली, सोमवार को इसी जगह पर पीएम मोदी ने की थी रैली। चुनाव आयोग की आज सुबह 11 बजे अहम बैठक, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। आज है जयललिता की जयंती, शशिकला ने दी श्रद्धांजलि, लोगों की जबरदस्त भीड़। राहुल गांधी के उत्तर भारत और दक्षिण भारत की तुलना वाले बयान से गरमाई सियासत, बीजेपी ने जमकर साधा निशाना। यूपी के सीएम योगी ने कहा विभाजनकारी राजनीति इनका संस्कार, हम उत्तर या दक्षिण में नहीं पूरे भारत को मां के स्वरूप में देखते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी के बयान पर जताया ऐतराज, कहा बांटो और राज करो की नीति नहीं चलेगी। स्मृति ईरानी ने राहुल को कहा एहसान फरामोश। केरल के त्रिवेंद्रम में राहुल गांधी ने दिया था विवादित बयान, उत्तर भारतीयों की सियासी समझ पर उठाए सवाल, दक्षिण भारतीयों से बताया कमतर। केरल के दौरे पर हैं राहुल गांधी, कोल्लम में मछुआरे समुदाय के लोगों से मुलाकात, मछली का जाल निकालते तस्वीर सामने आई। लाल किला उपद्रव में आरोपी लखा सिधाना ने जारी किया नया वीडियो, भटिंडा रैली के लिए लोगों को कहा शुक्रिया। सिधाना ने अपने वीडियो में कांग्रेस और अकाली दल से मिली मदद को लेकर दी सफाई, कहा लोगों की भावनाओं की वजह से जुटी भीड़। कल भटिंडा में लखा सिधाना ने की थी रैली, कृषि कानून के खिलाफ उठाई आवाज। लखा सिधाना पर है 1 लाख रुपए का इनाम, 26 जनवरी के बाद से है फरार। राजस्थान के सीकर में राकेश टिकैत का ऐलान, कृषि कानून वापस नहीं तो 40 ट्रैक्टर्स के साथ संसद मार्च। इक्यानवे दिनों से जारी है किसानों का आंदोलन, दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर जारी है किसानों का आंदोलन, लंगर में गैस की जगह लकड़ी का हो रहा इस्तेमाल। अंबाला में शंभू टोल प्लाजा पर किसानों ने मनाया पगड़ी संभाल जट्टा दिवस, अजीत सिंह को किया याद। मेरठ में खेती कानून के खिलाफ किसानों का फूटा गुस्सा, गेहूं की फसल पर चलाया ट्रैक्टर। बाराबंकी में आज होगी किसानों की महापंचायत, नरेश टिकैत मुख्य अतिथि। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को अदालत में किया पेश, कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी को 14 दिन के लिए भेजा जेल। टूलकिट मामले में दिशा रवि को 9 दिन बाद मिली जमानत, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने की सरकार पर सख्त टिप्पणी। देर रात तिहाड़ जेल से निकली दिशा, आज अपने घर जा सकती है बेंगलुरु, जमानत मिलने पर मां ने जताई खुशी। फरीदकोट में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर हल्ला बोल। चंदौली में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। गाजियाबाद के कौशाम्बी में एंजल मॉल में छापेमारी, बिना लाइसेंस शराब परोसे जाने का आरोप। देश में कोरोना के 13,700 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 104 लोगों की मौत। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों पर सख्ती, 72 घंटे पुरानी नेगेटिव आरटीपीसीआर दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री। ये आदेश फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू, 26 फरवरी से 15 मार्च तक जारी रहेगा नियम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समर्थन में उतरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए की बयानबाजी को बताया गैर जरूरी, रामदेव की कोरोना दवा की लॉन्चिंग में शामिल होने को लेकर उठा था सवाल। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, पिछले 7 दिन में सामने आए 34,000 से ज्यादा नए मरीज। महाराष्ट्र समेत 3 राज्यों में वायरस के 2 नए वेरिएंट मिले, साउथ अफ्रीकी स्ट्रेन के अब तक 6 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, लेकिन विधानसभा में बिना मास्क के नजर आए विधायक।
पंजाब के अमृतसर में कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार, हर रोज सामने आ रहे हैं 30 से 35 नए मरीज। पीजीआई चंडीगढ़ ने दी जानकारी, यूके स्ट्रेन के अब तक 55 मामले, पिछले दो हफ्ते में बढ़े केस। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, टैंकर और इनोवा की टक्कर में 7 की मौत। बेकाबू टैंकर डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ पहुंचा, नोएडा की तरफ से आ रही इनोवा में मारी टक्कर। जमशेदपुर में सड़क पर अपराधियों ने युवक को मारा चाकू, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हमले के बाद ही बदमाश रहे मौके पर मौजूद, आने जाने वालों को लाठी से भगाया। त्रिची में एयरपोर्ट के पास लावारिस बैग में मिली नवजात बच्ची, रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। राजस्थान के पाली में चाय की दुकान में आग, दो लोग झुलसे। अरुणाचल के दपोरजियो में बड़ा हादसा, आग की चपेट में आई 30 दुकानें। राजस्थान के सीकर में बच्चों के झगड़े में बड़ा बवाल, दो गुटों के बीच झड़प। आरा में घर से बुलाकर युवक की हत्या, बाइक को लेकर विवाद का शक। यूपी के मैनपुरी में युवती की हत्या कर पेड़ से लटकाया शव, आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ में जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों की खड़ी फसल पर चला बुलडोजर, विरोध करने पर किसानों पर चली लाठियां। उन्नाव केस की तीसरी पीड़िता को आया होश, पुलिस ने दर्ज किया बयान, पीड़िता के मुताबिक नहीं हुआ यौन उत्पीड़न। वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर टला बड़ा हादसा, वर्कमैन स्पेशल ट्रेन पटरी से उतरी, कई घंटे बंद रही लाइन। आंध्र प्रदेश में एक रीजनल चैनल के लाइव डिबेट में पैनलिस्ट ने खोया आपा, बीजेपी नेता को मारी चप्पल। वेस्ट मिदनापुर में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी समर्थकों के बीच भिड़ंत, करीब 30 लोग जख्मी। शाहजहांपुर में छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर बवाल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धरना प्रदर्शन। पठानकोट में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बीएचयू में पढ़ाई शुरू करने की मांग को लेकर जारी है छात्रों का धरना, कल बंद रखा था मेन गेट। भरतपुर में सेना में भर्ती की मांग को लेकर युवाओं का विरोध प्रदर्शन, कोरोना की वजह से ठप है रिक्रूटमेंट। बिहार के छपरा में 30 लाख की शराब बरामद, हरियाणा से लाई गई थी नशे की खेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के सरायकेला में पिता पुत्र ने फांसी लगाकर दी जान, आर्थिक तंगी से थे परेशान। बिहार के मुजफ्फरपुर में 4 शराब माफिया गिरफ्तार, 50 लाख नकदी और हथियार बरामद। लखनऊ में फर्नीचर की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। दिल्ली के गौतम नगर में 2 पुलिस वालों ने एक शख्स को बुरी तरह पीटा, वीडियो वायरल। बाड़मेर में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमले के आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित का आरोप, राम मंदिर चंदा लेने के चलते हमला। रेलवे टिकट को ब्लैक करने का इनामी मास्टरमाइंड, पुलिस के हत्थे चढ़ा, 1.5 लाख नकदी और हजारों की विदेशी करेंसी बरामद। गाजियाबाद पुलिस ने एक दुल्हन को किया गिरफ्तार, अपने ही ससुराल में कराई थी लूट। जोधपुर में चिट्ठी के जरिए शिकायत भेजकर पीड़िता ने दर्ज कराया रेप का मामला, 3 युवकों पर लगाया रेप का आरोप। बेगूसराय में परीक्षार्थियों से भरी बुलेरो और बस की टक्कर, 4 की मौत, 4 घायल। गुवाहाटी में चलती एम्बुलेंस में भीषण आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बची मरीज की जान। दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में प्लास्टिक का दाना बनाने वाली कंपनी में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने घंटों तक की मशक्कत। बिहार के बेगूसराय में लड़की को मैसेज भेजने को लेकर दो गुटों में विवाद, होमगार्ड जवान की पीट पीट कर हत्या। खरगोन में पीट पीट कर किसान की हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश में वारदात का शक। बिहार के हाजीपुर में ऑर्केस्ट्रा के दौरान चली गोली, कॉन्ट्रैक्टर की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।